दोस्तों ये है एक्सल 100 और इस गाड़ी का आज हम टाइमिंग बांधने वाले हैं। तो दोस्तों इस गरारी में जो है चार पांच निशान होने के कारण दोस्तों मैकेनिक भाई जो है वो गलत टाइमिंग बांध देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका टाइमिंग कैसे बांधें। तो पहले मैं आपको मैग्नेट के निशान दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैग्नेट के निशान आप देख पा रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, ये आमने सामने होना चाहिए। तो ये हो गया, अब मैं आपको टाइमिंग बांध के दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो कैम शाफ्ट है इसकी जो टॉप है जो इसका वो है यहाँ पे, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल ऊपर मतलब यहाँ पे सामने आमने सामने होनी चाहिए। तो ये कैम जो है ये अभी यहाँ पे टॉप पे है और अब हम इसका टाइमिंग बांधेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो मैकेनिक भाई हैं वो धोखा खा जाते हैं। इस गरारी में क्या करना होगा, ये वाले जो निशान हैं इनको नहीं देखना है, मतलब इनको बिल्कुल छोड़ देना है। अगर इनको आप देखें इनके सहारे पे आप टाइमिंग बांधेंगे तो गलत बन जाएगा। बस ये और ये और ये इसको देख के आपको टाइमिंग बांधना है। तो देखिए मैं इसका जो है अभी टाइमिंग ये गरारी जो है फंसा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये जो है इसका टाइमिंग दोस्तों हमने बांध दिया है। देखिए अब आपको इसमें ध्यान सिर्फ दो ही चीज़ों का देना है, एक ये जो एक्सल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो एक्सल लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला निशान, बस ये ऊपर नीचे होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, और ये इन पे बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है जो ये सीधे से निशान हैं, तो इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। और ये एक गोल सा बिंदु जो बना हुआ है ये बिल्कुल होना चाहिए ऊपर को। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप टाइमिंग बांधेंगे तो बिल्कुल सही प्रॉपर टाइमिंग बंधेगा और गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों जो निशान हैं इनको इग्नोर करना होगा और ये जो एक्सल लिखा हुआ है ये आपको आमने सामने ऊपर नीचे रखना है। तो ये टाइमिंग जो है ये बंध गया है बिल्कुल प्रॉपर सही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।